अरुणाचल प्रदेश के भारत चीन सीमा इलाके से दो जवान लापता है। अंजाव जिले के सीमा इलाके से लापता जवान गढ़वाल राइफल्स के हैं। इस संदर्भ में सेना की ओर से अंजाव जिले के खूपा थाने में एक मामला भी दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले दो हफ्ते से दोनों जवान लापता है, जिनकी तलाश में सेना स्थानीय लोगों की भी मदद ले रही है। LAC के समीप से लापता जवान की तलाश में अंजाव पुलिस भी दिन रात अभियान चला रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के भारत चीन सीमा इलाके से दो जवान लापता है, अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अंजाव जिले के सीमा इलाके से लापता जवान गढ़वाल राइफल्स के है। इस संदर्भ में सेना की ओर से अंजाव जिले के खूपा थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले दो हफ्ते से दोनों जवान लापता है, इनकी तलाश में सेना स्थानीय लोगों की भी मदद दे रही है। LAC के समीप से लापता जवान की तलाश में अंजाव पुलिस भी दिन रात अभियान चला रही है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट लाइव से टेलीफोनिक बातचीत के दौरान अंजाव पुलिस अधीक्षक नेहा यादव ने कहा कि सेना की ओर से थाने में एक मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस दोनों जवानों की तलाश में स्थानीय लोगों की मदद ले रही है। मैम, वी हैव सम रिपोर्ट्स दैट टू आर्मी जवान्स फ्रॉम 7 गढ़वाल राइफल्स हैव गॉन मिसिंग, हु आर पोस्टेड अलोंग द इंडो चाइना बॉर्डर इन अंजाव डिस्ट्रिक्ट। सो व्हाट डिटेल्स डू यू हैव मैम? बेसिकली जिस दिन मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई थी, वी गॉट द फोटोग्राफ्स ऑफ द टू जवान्स, वी फाउंड द लोकेशन ऑल्सो फ्रॉम वेयर दैट द प्लेस वेयर दे वर बीइंग लॉस्ट। We are thinking that they are still alive. We are not excluding that possibility. And with the neighboring district also, we have moved a thorough search along with the photographs. And other details are not available with me right now. Mostly, humne reverse sides pe bhi dekha hai ki if any unidentified bodies are there, then the locals should also inform us. We have circulated their photographs and other details over social media also in the local groups, WhatsApp groups. Hopefully, kuch na kuch clue mil jayega. Either they should be alive or if some mishap happened, the body should be recovered soon. So, ma'am, is there any possibility that they might have strayed out of the international border, across the LAC or something like that? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक आई नहीं है। मोस्टली हॉटलाइन होती ही है विद द अदर कंट्री, तो उन्होंने भी अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। और ऐसी कोई चीज है भी नहीं, बिकॉज द बॉर्डर इज रियली फार, एंड इसके ऊपर तो आर्मी वाले ज्यादा बेटर कमेंट कर पाएंगे, बिकॉज द LAC इज रियली फार। सो वो ऐसे नहीं हो सकता कि दो लोगों को ऐसे उठा लेंगे और पता भी ना चला हो। तो ऑन दैट आई डोंट थिंक सो आई हैव एनी इन्फॉर्मेशन। तो बता रही है अहम खबर आपको, इस वक्त दो जवान लापता बताए जा रहे हैं। अरुणाचल के अंजाव जिले से लापता है ये दोनों जवान। पुलिस बहुत सारे अभियान छेड़ चुकी है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं लग पाया है। तो आइए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रिपुंजय दास के साथ। जी रिपुंजय, आपके पास क्या ताजा जानकारी है? गंभीर मामला है, दो जवान लापता है, क्या जानकारी है आपके पास? हाँ देखिए मनस्मिता, ये आज दो हफ्ते हो गए हैं इन जवानों की ना कोई खोज है ना कोई अता पता है। और हमें जो प्राथमिक रूप से जो जानकारी मिली है, अंजाव जिले के जो SP है नेहा यादव, उनका कहना यही है कि पूरी जो खोज करता है, खोजी दल है, पूरा चारों तरफ लगे हुए हैं। हालांकि ये इलाका जो है ज्योग्राफिकली बहुत ही घना जंगल, उस इलाके में पहाड़िया नदियां, बहुत एक टफ लोकल ज्योग्राफिकल लोकल है, और इस वजह से वहां खोजकर्ताओं को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन सभी लोग यही हैरान चकित है कि ये जो जवान 7 गढ़वाल राइफल्स से थे, ये दोनों जवान के क्यों कैसे एकाएक लापता हो गए? अभी अगर एक तरीके से सोचा जाए, बुरी तरीके से अगर सोचा जाए, अगर इनकी मृत्यु भी हुई होगी तो इनकी डेड बॉडीज का क्या हुआ,
तो इसी सब पूरे मामले को लेके सभी लोग वहां में एक तरीके सनसनी मचा हुआ है पूरे अंजाव जिले में। मनस्विता जी रिपुंजे, जैसा कि आपने कहा अरुणाचल प्रदेश का ये भारत चीन सीमा इलाका काफी दुर्गम है, तो जानना चाहेंगे तलाशी अभियान में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की मुश्किलें हो सकती है? मनस्मिता जी, देखिए जैसे कि हमने कहा कि वहाँ का ज्योग्राफी जो है बहुत ही कठिन है वहाँ में, और उसके साथ अभी जो बारिश का जो मौसम है, ये काफी जो खोजकर्ता दल है, पुलिस हो चाहे अन्य सुरक्षा एजेंसी हो, उनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते वहाँ के जो स्थानीय निवासी है, गाँववासी है, उनको इसमें लगाया गया है, शामिल किया गया, उनको अनुरोध किया गया था, एसपी खुद उन्होंने उनको अनुरोध किया था कि आप लोग इसमें मदद करें पुलिस प्रशासन की, क्योंकि उनको बेहतर उस इलाके की जानकारी है, वो लोग उही के पले बड़े हैं और इसी वजह से उनको बेहतर उस इलाके की नॉलेज भी है। तो इस हिसाब से लोकल्स भी वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है इन दो जवानों का कोई अता पता नहीं मिला है। मनस्विता जी रिपुंजा, आपसे एक आखिरी सवाल, चूंकि सीमा के पास से ही दोनों जवान लापता हुए हैं, तो क्या चीन से इस मामले में संपर्क किया गया है? जी हाँ, इस मामले में भी हमने पूछा था एसपी जो नेहा यादव है उनसे, उनका यही कहना है कि उन्होंने आर्मी को कोट करते हुए ये बताया कि क्योंकि ये जो तकला पोस्ट है ये चीन सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ भारत के सेना वहाँ लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं। तो इस विषय पे भी उन्होंने आर्मी प्रशासन से उनके जानकारी लेने के लिए उन्होंने बातचीत की और आर्मी ने उनको कहा कि हालांकि उस इलाके में हॉटलाइन पे दोनों देशों की सेनाओं की बातचीत होती रहती है कमांडर लेवल पे, तो इस विषय को भी पूछा गया था और चीन की तरफ से इस विषय में कोई भी जानकारी होने से उन्होंने मना किया है, कोई भी उनको जानकारी नहीं है ऐसा बताया है और इस बात को कोट करके एसपी ने हमें जानकारी दी है। मनस्विता जी रिपुंजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।